महागठबंधन से, अब वो महागठबंधन से आगे चल रही है और महागठबंधन जो है वो एनडीए से अब पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, 120 पर एनडीए पहुंच चुकी है और एलजेपी 8, देखिए किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है आंकड़ा। और जिस तरह से मोदी को जो है बहुत मानते हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी 8 सीटें हासिल कर ली है, जो शुरुआती रुझान है इसकी बात कर रहे हैं, नतीजे आने बाकी है। लेकिन महागठबंधन को एनडीए ने बिहार में पछाड़ दिया है, यह बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की आपको। 113 सीटों के साथ महागठबंधन पिछड़ता हुआ आ रहा है, बहुमत का आंकड़ा जिस तरह से शुरुआत में इसने आंकड़ा छुआ, उसके बाद अब फिसल चुका है एनडीए का महागठबंधन और अब एक साथ उछाल मारी है एनडीए के गठबंधन ने। 120 जो है 120 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझान में, और मोदी जी का जो जादू है कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने तमाम रैलियां की और उन्होंने कहा था फिर से यहां पर नीतीश कुमार के गठबंधन में नेतृत्व में जो है फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की, एनडीए की, और ये साफ तौर पर तस्वीर अब जो शुरुआती रुझान थे उसके उलट दिखती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि मोदी का अनुमान और जो चिराग पासवान है उन्होंने भी पूरा खेल बदल कर रख दिया। 8 सीटें बड़ी बात है, 8 सीटें चिराग पासवान को मिलती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझान में, अब ये रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं, नतीजे एकदम उलट हो गए। महागठबंधन को पछाड़ दिया एनडीए ने, जिस तरह से अब कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यालय पर लड्डू बन रहे थे, मिठाइयां बनाई जा रही थी, और वो कहीं ना कहीं अब फेंकेंगी नहीं या फिर उनको रखा नहीं जाएगा, अब उनको खुशी में बांटा जाएगा, जश्न मनेगा, दीपावली पूरी मनेगी। देखिए शाम तक रुझान पूरी